बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है इसकी, जिसके अंदर हमें फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, ऑब्जेक्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं और दोनों में ही हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे पहले सिस्टम को के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल सॉरी स्लैग वेरिएबल -S1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और -S2 और +A2 और इन वैल्यूज़ को हम और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फंक्शन था उसके साथ हम ऐड कर देंगे प्लस M A1 और M A2। इससे पहले भी हमें एक इक्वेशन निकाली थी और वो फॉर्म ये थी, यहाँ पे जो हमने जी निकाला था। इसको निकालने का एक और भी मेथड है और वो ये है कि हम जस्ट ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर हमने ये लिखा है जी -2x -5y प्लस एम ए, अब ए की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से, यानी जहाँ पे ए की वैल्यू वो निकाल के पुट कर देंगे, यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू आएगी 60 -x -y और प्लस S3, या फिर जो हमने सिस्टम इसके लिए यूज़ किया था ये वाला इक्वेशन। लेकिन इसका जो सबसे आसान मेथड है वो यही है कि इसमें A1 की वैल्यू A की वैल्यू पुट कर दी जाए। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन, अब इसमें भी हम यहाँ से A1 की वैल्यू निकालेंगे पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से A2 की वैल्यू निकालेंगे। जो पहले है उसमें से A की वैल्यू निकली है 1500 -2x1 प्लस -5x2 और प्लस S1, और जो दूसरी फॉर्म है उससे निकली वैल्यू 1200 -3x1 -x2 और प्लस S2। ये दोनों A1 और A2 की वैल्यू उठा के इस वाले सिस्टम में पुट करेंगे और उसको सिंपलीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये बन जाएगी। अब यही इक्वेशंस को उठा टेबल में ले जाते हैं और टेबल में ले जाके हम उसमें जो अब हमारे पास सिस्टम है मिनिमाइजेशन का, नॉट मैक्सिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे जो हमारे पास पहली रो थी इसमें हम मिनिमम वैल्यू देखते थे, लेकिन अब हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे m की वैल्यू 10 पुट कर लें तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा 45 और यहाँ पे 10 पुट करने से बनेगा 54, यहाँ पे 10 पुट करने से -10 0। और तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो 54 है, यानी जो वो किससे बनी है, वो इस वैल्यू से बनी है यहाँ से। तो अब इसमें ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब कॉलम सिलेक्शन के बाद हमें इसकी रेशो जो सॉल्यूशन है उसकी रेशो मालूम करेंगे हम यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो मोस्ट सॉरी लीस्ट रेशियो आई है वो 300 है, तो इस लिहाज से हमारे पास इसका जो पेवट कॉलम है रो है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट होगी, और पहले पेवट कॉलम था अब पेवट रो भी सिलेक्ट होगी। तो अब जो दोनों का इंटरसेक्शन में है वो है 5। अब क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस 5 को हमने 1 बनाना है। किस तरह से, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2/5, यहाँ पे बन जाएगा 1, ये बनेगा -1/5 और ये भी 1/5, और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 300। अब ये जो हमारे पास रो बनी है मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ, 2/5 1 -1/5 1/5 और 300। लेकिन इसकी मदद से हमें इसको ज़ीरो करना है, तो अब इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे -6m+6 के साथ, इसको इसकी मदद से इसको ज़ीरो करना है।
तो अब इसको मल्टीप्लाई करके हम उस रो में ऐड कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा -12m प्लस 12/5 और -6m प्लस 6, और फिर इसके बाद आएगा माइनस प्लस 6m -6/5 और उसके बाद आएगा -6m प्लस 6/5 और जो लास्ट है 300 उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो वो बन जाएगा -1800m और माइनस प्लस 1800। अब क्या इसको किस में ऐड करना है? इसको हमने ऐड करना है जो टॉप वाली रो है, टॉप रो इसके साथ ही लिख लेंगे और ऐड करके जो आंसर है वो हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। इसका है 5m -5 और प्लस 6m -6 और उसके बाद है -m, ये भी -m और उसके बाद फिर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 और लास्ट में वैल्यूज़ की क्या बनती है 1500। यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखी जिनको मल्टीप्लाई करने से वो 0 ही हो जाता था, वो वैल्यूज़ मैंने वहाँ पे ऐड नहीं की। मतलब एक 0 यहाँ पे आना था और एक 0 यहाँ पे आना था, तो वो वही वैल्यूज़ रह जानी, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। और यहाँ पे असल जो हमारा बेसिक मकसद था वो ये था कि इसको 0 करना था, ये 0 हो जाएगा। तो और बाकी जो है उसको भी हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टेप कर दिया है, वन बनाने वाला पहले वन बनाया गया और उसके बाद उसके मदद से हमने उसको ऊपर और नीचे वो सारा 0 कर दिया। ये असल में इसके फ्रैक्शन में है, ओवर फाइव है, ये भी ओवर फाइव है। इसके बाद फिर हम जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात साथ में देखते जाएं कि ये जो वैल्यू है एक्स टू वो चेंज होके ए वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी एक्स टू से। यहाँ पे मिस्टेक है, ये वैल्यू एक्स टू से चेंज होनी थी। और फिर हम इसमें देखें मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो यही बनेगा, तो ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसकी रेशियो निकाली, लीस्ट रेशियो हमारे पास ये बनी है, इसका मतलब ये लास्ट वाली रो हमारे पास सेलेक्ट हो गई। उसको पहले वन बनाएंगे, यहाँ पे इस मरहले में सिर्फ इसको वन बनाया गया, वन बनाने के बाद इसको ऊपर वाली रोज को हम 0 करेंगे और 0 करने के बाद और साथ में ये जो नंबर है यहाँ पर जो एक्स वन है वो चेंज, ए टू जो है वो चेंज हो जाएगा एक्स वन से। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए टू जो है वो एक्स वन से चेंज हो गया और यही हमारा पास जो सोल्यूशन है। तो एक्स वन की जो वैल्यू है वो है दिस वन 4500/13 और एक्स टू की वैल्यू जो है वो 2100/13 और जो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये बनती है। इसमें आप